मेरी लाइफ का ये पहला ऐसा ऑफिशियल रूम टूर है और मेरे चैनल का भी ये पहला है। मेरा आज TCS का इंटरव्यू है, आप सबकी दुआ रही तो वहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। आज दिन की शुरुआत कुछ ज़्यादा ही जल्दी हो गई, अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और मैं हूँ नेशनल हाईवे 24 पे, NH24 पे। एंड वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, आई होप यू गाइस डूइंग वंडरफुल इन योर लाइफ्स। और आज का जो एक्सपीरियंस है वो पिछली बार से बिल्कुल ही अलग होने वाला है, क्योंकि जो पिछली बार मैं गया था वो दिल्ली गया था और इस बार जो मैं जा रहा हूँ बेसिकली मैं नोएडा जा रहा हूँ। तो नोएडा का एक्सपीरियंस शेयर करूँगा आपके साथ और अभी मैं अपना फ्रेंड का कार्ड लिया है, वो भी आज जा रहा है, उसके भी कुछ काम है तो हम दोनों साथ में चलेंगे। पहले अगर आपने नोटिस नहीं करा हो तो मैं आपको बता दूं कि मेरी टी शर्ट चेंज हो चुकी है। सुबह जब मैं निकला था तो मैंने ब्लू कलर की टी शर्ट पहनी थी और अब दूसरी। तो सीन कुछ ऐसा हुआ, शॉर्ट में बताने की कोशिश करूंगा। मुझे जाना था TCS का पेपर देने नोएडा, मेरा सेंटर आया था नोएडा। और सिंपल मेरा जो दोस्त है, जिसे आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, अगर नहीं देखा तो लिंक दे दूंगा इधर कहीं आई बटन पे देख लेना, वो कार्तिक है उसका नाम है। वो जाता है हर संडे अपना कोर्स करने, उसके कोचिंग वगैरह है मर्चेंटाइजर वगैरह की, तो वो कोचिंग करने वो जाता है संडे को पटेल नगर। उसके बाद हम दोनों दिल्ली साथ आए, जैसे कि आपने लास्ट फुटेज में देखा बस में साथ में बैठे, उसके बाद दिल्ली आके वो अपनी कोचिंग चला गया। मैं अपना ओयो का होटल बुक करा और बुक करने के बाद मैं अपना सामान वान यहाँ रखा और मैं पेपर देने चला गया। पेपर देने के बाद मैं अभी कुछ 3:30 बजे हैं, मैं अपना होटल में आया हूँ। और लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा है कि मैं कभी होटल में रुका हूँ, क्योंकि इससे पहले 10-12 थी और फिर ग्रेजुएशन वगैरह थी तो मैं इतना कहीं घूमता नहीं था। जो चैनल मैंने स्टार्ट करा तो थोड़ा अब मैं घूम रहा हूँ। तो गाइस पेपर देने के बाद अभी कुछ 4:30 बज रहे हैं और अभी मैं आया हूँ अपने होटल के रूम पे। और यहाँ पे कुछ भी सुबह से मैंने खाया नहीं है, बहुत तेज भूख लग रही है। कार्तिक है जिसकी कोचिंग थी, जैसा मैंने आपको भी बताया, वो अब यहाँ से आएगा, मैंने उसे लोकेशन भेज दी है अपनी, फिर साथ में चलेंगे। और रूम हमारा जो है वो कल तक के लिए है, तो देखते हैं अगर मन करा तो रात में यहाँ स्टे करेंगे वरना फिर चले जाएंगे। और हाँ, मैंने रूम टूर तो दिया ही नहीं, सब लोग स्टार्टिंग में देते हैं लेकिन मैं अब दे रहा हूँ, तो अब देख लो। लोग चाबी डालने के बाद लाइट ऑन करते हैं फिर रूम टूर देते हैं, यहाँ मैं उल्टा कर रहा हूँ, देखते हैं। छोटा है लेकिन अच्छा है, और मेन बात यह है कि हमारा काम चला रहा है तो हमारे लिए बेस्ट है। कल को भगवान ने चाहा तो इससे अच्छा मिलेगा, तो उसका भी रूम टूर आपको दिखाएंगे। और मेरे फेस पर जो स्वेटिंग हो रही है कृपया करके उसे इग्नोर करें, क्योंकि मैं पंखा बंद कर रखा है, मैंने पंखा बंद करके ही वीडियो शूट होती है, वरना पंखे की नॉइज बहुत ज़्यादा आ जाती है, इसलिए फ़ैन बंद करके हमेशा शूट करना चाहिए और मैं ऐसे ही करता हूँ। पहले वाली वीडियो में मैंने उसके जो स्टार्टिंग है उसमें यही गलती करी थी, तो काफ़ी लोगों ने मेरे से कहा, तो इस वीडियो में मैं उस चीज़ का ध्यान रख रहा हूँ। और बस अब कार्तिक आने वाला है, उसके बाद देखते हैं हमें क्या डिसाइड करना है, कि रुकेंगे या फिर कहीं घूमने जाएंगे। और कम से कम एक या दो तो टूरिस्ट स्पॉट कवर करूँगा, मेरा ये हर बार का मेरा प्लान रहता है कि जिस बार भी मैं आता हूँ दिल्ली हर बार एक टूरिस्ट स्पॉट कवर करता हूँ। और उसकी अब मैं वीडियो भी बनाना स्टार्ट कर दिया है, ताकि जितनी बार भी दिल्ली आऊँ एक एक करके सारे टूरिस्ट स्पॉट कवर हो जाएं, और अगर किसी को देखना हो तो कोई भी टाइप करके देख ले। और दूसरी चीज़ ये, जो मेरे जान पहचान के लोग हैं, मेरे कुछ रिलेटिव्स और मेरे फ्रेंड वगैरह, उन्हें जब मैं बताता हूँ कि यार भाई मैंने नई वीडियो डाली है, या अपने रिलेटिव्स को लिंक वगैरह शेयर करता हूँ, तो दोस्त कहते हैं अरे यार क्या कर रहा है तू ये सब। रिलेटिव्स का भी कुछ इतना अच्छा रिस्पांस होता नहीं है, मुझे पता है स्टार्टिंग में काफ़ी लोगों को नहीं पता कि होता क्या है, क्यों होता है। लेकिन एक वो कहावत है ना, शायद सुनी होगी आपने,
पॉजिटिविटी फैलाओ और पॉजिटिविटी अपने अंदर रखो और दूसरों को भी बांटो। तो ये रीज़न है कि वीडियो बनाता हूँ मैं। और दूसरा चीज़ सबसे बड़ा ये है कि अब आज के बाद, आज से 2 साल बाद भी इस वीडियो को देखूंगा तो हाँ, एक मेरा मेमोरी रहेगी वीडियो के थ्रू, कैप्चर रहेगी कि हाँ ये गया था तो उसके बाद ये हुआ। फोटोज में वो सब नहीं हो पाता है, तो ये पर्सनल रीज़न है मेरा। और काफ़ी लोग ये भी पूछते हैं कि ब्लॉग आखिर होता गया है, तो ब्लॉग का मतलब होता है वीडियो प्लस ब्लॉगिंग, तो उसे हम कहते हैं ब्लॉगिंग। कुछ लोग उसे व्लॉग भी कहते हैं, वीलॉग। ये शब्द मतलब व्लॉग से पहले आता है ब्लॉग। ब्लॉग मतलब जो राइटिंग में हम, जैसे हम कहीं घूमने जाते हैं या अगर हमें किसी चीज़ की थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज है तो हम वो शेयर करते हैं आर्टिकल बना के, उसे हम ब्लॉग कहते हैं। और अगर हम ऐसे, जैसे कि मैं पकड़ के ऐसे फ़ोन के थ्रू अपनी स्टोरी शेयर कर रहा हूँ कि आज मैं इस होटल में आया, आज मेरे साथ ये हुआ, तो उसे हम कहते हैं ब्लॉग, अपनी स्टोरी शेयर करना, और उसे व्लॉग कहते हैं। तो मैं सोचा क्यों ना ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं वो थोड़े अपने वीडियो में बताया जाए। और लास्ट वीडियो जो मैंने वन डे इन दिल्ली वाले डाली थी, उससे काफ़ी लोगों का फीडबैक आया। वो कह रहे हैं कि भाई तू कुछ ज़्यादा ही डिटेल में बता रहा है कि ये टिकट प्राइस इतना है, ये टिकट प्राइस इतना नहीं है, और रास्ता ये है, ऐसा है, वैसा है, तो इससे अच्छा तू थोड़ा उसे शॉर्ट कर। तो इस वीडियो में मैंने उसका ख्याल रखा है कि जो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें हैं वो बताऊं जा, तो ये मैंने इस वीडियो में थोड़ा सुधारने की कोशिश करी है। और जो मेनली पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें हैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको। और आप नीचे कमेंट कर सकते हैं कि वीडियो कैसी लगी। अब थोड़ी देर में करीब 5 बज रहे हैं, कार्तिक जो मेरा फ्रेंड है वो भी रूम पे आने वाला है। उसके बाद हम लोग डिसाइड करते हैं कि आखिर हमें जाना कहाँ है, क्या रात में हम स्टे करेंगे या फिर हम कहीं जाएंगे। वीडियो में बने रहें जानने के लिए, आगे वीडियो देखते रहें, कृपया स्किप ना करें। टाइम हो रहा है 5:30 और इस रूम को चेकआउट करने का टाइम हो गया है। केवल 5.5 घंटे 6 घंटे मैंने यहाँ पे स्टे करा है और अब चेकआउट कर रहा हूँ। कार्तिक मेरा बाहर वेट कर रहा है, उसके बाद हमारा कुछ आएगा प्लान है वो बाद में बताऊँगा। और ये वॉशरूम में मुझे सबसे अच्छा ये करना लगता है पता नहीं क्यों। और एक चीज़ जो ज़रूरी है वो, जैसा आप देख सकते हैं इस खिड़की के बाहर, ये देखो, ये देख रहे हो आप, बाकी कमरे हैं ये सब। लेकिन इससे बस एक बात जो थोड़ी मुझे अंदर से थोड़े दुख सी लगती है वो ये कि हम ह्यूमन बीइंग्स अपना इंटीरियर और अपना स्पेस में कितने कंफर्टेबल हैं, और बाहर चाहे कुछ भी हो रहा हो, मतलब रूम ओयो को बहुत अच्छे हैं लेकिन बाहर की आप एक बार हालत देखिए कैसी हो रही है। इस तरफ भी बिल्कुल बेकार सा हो रहा है, तो पूरा डेवलपमेंट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अपना रूम ही अच्छा कर लिया, पूरा एक बार अपने इसमें जो होता है वो सही से करना चाहिए, ऐसी मेरी पर्सनल राय है। नहीं पसंद आया तो कोई बात नहीं, वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं आप, कोई फ्री है बिल्कुल करिए। आप चलते हैं नीचे बता। ये देखो यार पूरा होटल है ये, ओयो फ्लैगशिप पता नहीं 553 ऐसे कुछ करके इसका कोड है, और अच्छा होटल है। अगर आपको कभी आना हो सेक्टर 52 में ये है, आप आ सकते हैं। और रूम बहुत यार सस्ते भी हैं यहाँ के, तो अगर आपका बजट थोड़ा कम है मेरी तरह तो आप प्लीज़ आ सकते हैं। तो गाइस अभी हो रहे हैं 7:30 और ओयो से चेकआउट करने के बाद मैंने कहा था जैसे कि आपसे कि एक हम टूरिस्ट स्पॉट पे जाएंगे, तो एक टूरिस्ट स्पॉट रुक जा एक टूरिस्ट स्पॉट पे जाएंगे। तो कनॉट प्लेस हम आए हैं और पालिका बाज़ार के हम इस समय ऊपर खड़े हैं। पालिका बाज़ार इस समय है और ये कार्तिक है, और लास्ट वीडियो में भी आपने इसको देखा ही होगा। सो गाइस, जितने भी वीडियो आप ऑनलाइन देखते हैं यूट्यूब वगैरह पे जिसमें लिखा होता है कि 100 रुपये के जीन्स, 200 रुपीज़ के शूज़, वो सारी चीज़ें आपको पालिका बाज़ार में बहुत ही इजीली अवेलेबल हो जाएंगी। और अगर आप शॉपिंग कभी करना चाहते हो तो ये बेस्ट प्लेस है दिल्ली में शॉपिंग करने के लिए। और कुर्ता चाहे जीन्स जो भी आप शॉप करना चाहें, यू कैन ईजली गेट हेयर। और ये आपकी जो ये फुटेज देख रहे हैं ये है पालिका बाज़ार, ये अंडरग्राउंड एक मार्केट है, इसके ऊपर आपका सेंट्रल पार्क है, कनॉट प्लेस है, और ये बेसिकली ज़मीन के नीचे है। और हाँ, ये हमारे देश का झंडा, इसे देख के एक अलग सी पैट्रियोटिक सी फील आती है। और सो गाइस, पालिका बाज़ार में थोड़ी सी शॉपिंग करने के बाद हम लोग सीधा आए राजीव चौक मेट्रो स्टेशन, और वहाँ से हमने आनंद विहार के लिए मेट्रो करी और फिर 9 या 10 बजे बस पकड़ के घर के लिए रवानगी करी। और इस वॉइस ओवर में बस इतना ही था। नाउ बैक टू द वीडियो। सो गाइस, पता नहीं अभी वीडियो आ रही होगी नहीं आ रही होगी, लेकिन रात के बज रहे हैं 2 और फाइनली मैं आ गया हूँ, बस उतर गया हूँ, अब मैं घर जा रहा हूँ। और वीडियो जो है बिल्कुल ब्लैंक सी आ रही, ब्लैक सी, कुछ दिख नहीं रहा है इसमें,
तो एक बार मैं घर पहुंच जाऊं फिर मैं आपको बताता हूं। 3 weeks later। सो सुबह नहा धो के उठ के बिल्कुल भी नहीं, और कम से कम 10-15 दिन बाद मैं इस वीडियो के एंड कर रहा हूं, और बीच में टाइम नहीं मिला और काफी कुछ करना था बाकी चीजें। और ये जो आप देख रहे हैं ड्रेस और कहाँ पे हूँ मैं, ये आपको इसके अगले वाली वीडियो में पता चलेगा, तब तक बने रहें। और रही बात इस वीडियो की, जो मैंने आपको बताया था कनॉट प्लेस पालिका बाजार, तो जितने भी आप यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं क्लिक बेट वगैरह की, 100 रुपीज में शूज या 200 रुपीज में हो ये सब सामान, लेकिन आई एम श्योर आपने बहुत सारी वीडियो भी देखी होंगी क्लिक बेट वाली, इसमें लिखा होगा 200 रुपये में जीन्स, 100 रुपये में टी शर्ट, वो होता है, लेकिन इतना सस्ता प्राइस नहीं है। और कोई इतनी बड़ी डील नहीं है कि आप किसी और सिटी में रहते हो या और कहीं रहते हो तो आप वहाँ स्पेशली शॉपिंग करने आओ, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उतना तो आपका किराया और आपका टाइम ही वेस्ट होगा। सो इस वीडियो में बस इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ एक लाइक करें, और आने वाली वीडियो में मैं और भी काफ़ी जगह जाऊंगा और काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर करूंगा। और हाँ, अगर इस वीडियो में मेरे से कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि आने वाली वीडियो में मैं उन्हें सुधार सकूं। गलती हर इंसान से होती है, उसे सुधारना मेन चीज़ होती है। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और अपना ख्याल रखें। टेक केयर, गुड बाय, खुदा हाफिज़। लेकिन देखो भाई, व्लॉग का मतलब सिंपल होता है, वीडियो प्लस। सो गाइस अभी हो रहे हैं 5 बज रहे हैं, हमारी कुछ पैकिंग। अरे हो जा बंद यार, हो जा। यार मेरे रूम की चाबी जो है ना, पता नहीं लॉक का क्या दिक्कत है, इसमें बहुत मुश्किल से खुलता है। सो गाइस, मेट्रो स्टेशन वीडियो में, हाँ, और लास्ट वीडियो में भी आपने इसको देखा ही होगा, तो जो आप वीडियो देखते हैं मैं कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ उधर